Assalamualaikum ji, I am Rafay Rashdi. I am a filmmaker by profession. I had made Thora Jee and I am also a producer at Moomal Entertainment. And at the moment, I am looking at the marketing and promotions for Parvaz Junoon. I think the biggest film coming out this summer. And it was very lovely talking to you. See you guys soon. Thank you. मेरी नज़र में तो मेरे ख्याल से डायरेक्टर फिल्म मेकर रोल सूट्स मी मोर एंड आई थिंक आई प्लान ऑन गेटिंग बैक टू दैट इज वेल. मोमल की तरफ से प्रोड्यूसर भी बन गए, ड्रामे भी प्रोड्यूस कर दिए, एक फिल्म भी बना ली है, सियासत भी कर ली है और अभी पीआर का भी एक्सपोजर हो गया है थोड़ा जीरे कर करके मैनेज करके. बट जो कॉलिंग है मेरी अल्टीमेट वो फिल्म मेकिंग की तरफ ही है और आई थिंक इस एक्सपीरियंस के बाद आई विल बी गेटिंग बैक टू इट. जो मेरा स्क्रीन प्ले रह गया था, मैंने फिल्म अनाउंस कर दी थी, वॉज कॉल्ड यकीन मिस्ट्री थ्रिलर, तो मैं उसी पर वापस जाऊँगा एंड लाइक टू बिल्ड ऑन इट एंड इंशाल्लाह प्रोसीड विद इट. जैसे आपने भी खुद मेंशन किया, आपकी इनहेरिटेंस में पॉलिटिक्स भी है और शोबिज भी है, तो पहले मैं शोबिज के हवाले से पूछना चाहूँगी कि मेहताब आपा बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री का, सारी दुनिया जानती है उनको, बड़ी फॉलोइंग है, हम खुद बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, तो और दूसरी तरफ पॉलिटिकली भी आपकी फैमिली जो है माशाल्लाह बहुत वेल रिस्पेक्टेड है, तो व्हाई दिस साइड, व्हाई नॉट पॉलिटिक्स ओनली? गुड क्वेश्चन. लेकिन बात यह है कि पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी तो आई हैव सीन माय पेरेंट्स इनहेरिटेड एज वेल एंड एक बाय चांस एंट्री हो गई थी, लेकिन सर्विंग द पीपल इज आल्सो बीन अ पार्ट ऑफ माय पर्सनालिटी एंड आगे देख के देखेंगे अगर पॉलिटिक्स कितना आगे आता है. आई डू हैव इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स एज वेल, आई हैव कॉन्टेस्टेड ट्वाइस एंड लेकिन फिल्म मेकिंग में भी अगर मेरा एक कॉन्टेंट पे जो एक्सपोजर रहा है वो ये रहा कि जैसे अगर थोड़ा जीले थी, थोड़ा जीले फोकस्ड ऑन ड्रग एडिक्शन एंड वुमेन एम्पावरमेंट, सो मेरी फिल्में भी हमेशा एक सोशल इशू को टच करती हैं विच इज़ ऑन अ वेरी सीरियस लेवल. सो इवन एज अ फिल्म मेकर आई वुड लाइक टू हाईलाइट सर्टेन इशूज विच फोकस ऑन रियल हार्ड कोर इशूज पे. तो आई थिंक फॉर नाउ आई एम इन शो बिजनेस एंड आगे जाके अगर पॉलिटिक्स बिल्ड होती है तो देखते हैं किस एवेन्यू पे लेके जाएगी, बट आई एम क्वाइट हैप्पी वेयर आई एम विच इज फिल्म मेकिंग वर्ल्ड. अम्मी को तो अब मैंने बिल्कुल बचपन से फॉलो किया है, सेट्स पे होता था, शी इज बीन पार्ट ऑफ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंड टेलीविजन इंडस्ट्री फॉर अ व्हाइल, सो एक हमेशा रहा मेरा भी इंटरेस्ट टू बिकम पार्ट ऑफ इट. सुल्ताना आपा माई गॉड मदर, आई हैव ऑलवेज बीन यू नो बिकॉज ब्लोन अवे बाय हर वर्क एंड ऑल, तो एक रहा है एंड शी इज प्लेड अ मेजर पार्ट इन इन्फ्लुएंसिंग मी एंड बींग पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री. अम्मी का तो बहुत बड़ा ज़बरदस्त रोल रहा है मीडिया इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट में, टेलीविजन में एंड आई ऑलवेज फॉलोड हर. ऑब्वियसली उनका बेटा भी हूँ, बचपन से उनके सेट्स पे, रोशन तारा पे, उनके सारे पोलिटिकली मोटिवेटेड शोज से आई हैव बीन पार्ट ऑफ इट एंड शी इज प्लेड अ वेरी मेजर रोल इन इन्फ्लुएंसिंग माई एग्जिस्टेंस इन दिस इंडस्ट्री. आई वॉन्ट टू कंटिन्यू द लिनिएज, द फॉलोइंग एज वेल एंड उससे ज़्यादा जो है उससे ऊपर भी है. सुल्ताना आपा ने बहुत बहुत सपोर्ट किया है मुझे इस इंडस्ट्री में टू बी पार्ट ऑफ इट, फ्रॉम थोड़ा जीले की इंडक्शन, अब मूमल एंटरटेनमेंट पे एज अ प्रोड्यूसर, देन पाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का प्रोड्यूसर, सो बहुत ज़्यादा उनकी गाइडेंस भी रही है और उन्होंने बहुत ही एक समझे कि एक सपोर्ट किया है फॉर मी टू बी देयर. सो यस, आई डेफिनेटली ट्राई टू कैरी ऑन माई मदर्स फोर्टे एज वेल. थोड़ा जीले एज अ पर्सन एज एन इंडिविजुअल वॉज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस बिकॉज कमिंग फ्रॉम एन इनएक्सपीरियंस फिल्म मेकिंग बैकग्राउंड आई गॉट टू लर्न अलॉट अबाउट द प्रोडक्शन एनवायरमेंट, अबाउट आर कंट्रीज फिल्म इंडस्ट्री, द रिवाइवल ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, के हाउ डू मेक इट अ सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल एंड उसके अलावा यंग टैलेंट का क्या स्कोप है, हमारे क्रिटिक्स कैसे सोचते हैं हमारी सिनेमाज के बारे में. तो एक बेहतरीन एक्सपीरियंस था, एक लर्निंग एक्सपीरियंस था मैं उसको बोलूँगा, which I think has groomed me and has kind of shaped me out to work better on my next film and isse acha koi bhi acha opportunity nahi ho sakti for me who had no exposure to media before I launched the film. aap tv mein bhi kaam kar rahe hain, film mein bhi kar rahe hain, aap dono mediums mein kya farak dekhte hain? ji bahut bada farak hai. film industry aapki jo hai is waqt mature ho rahi hai, cinemas aapki grow ho rahi hain day by day, television industry aapki bahut refine ho chuki hai, production houses hain, channels hain, एक्टर्स एक्ट्रेस एवरी वन इज देयर, इट्स अ वेरी वेरी बिजी कट थ्रोट इंडस्ट्री राइट नाउ जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है लास्ट टू ईयर्स में एंड इट विल इवन ग्रो. हाउएवर फॉर द फिल्म इंडस्ट्री आई थिंक इट स्टिल नीड्स टाइम बिकॉज अभी भी वो काफ़ी फिल्मों के अंदर टेक्निकल ग्लिचेज आ जाते हैं,
मसले आ जाते हैं, वो क्यों आते हैं, उसकी वजह से वजह ये है कि भाई हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास अच्छे खासे साउंड की साउंड का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियोज भी खुल रहे हैं, हम फिल्में बाहर भेज देते हैं, तो वो चीज़ें जब एक दफ़ा रिफाइन हो जाएंगी सो आई थिंक यंग फिल्म मेकर्स को भी चांस मिलेगा, बजट्स पे कंट्रोल आ जाएंगी, तो इट्स इन ग्रोइंग स्टेजेस राइट नाउ एंड आई थिंक वी आर स्टिल टू सी लॉट्स ऑफ न्यू फिल्म मेकर्स कम एज वेल और डिफरेंट जॉनर्स भी अटेम्प्ट होंगे. और मैं परवाज़ की उससे बात करूँगा कि परवाज़ जिन्होंने जो फिल्म आ रही है, मतलब इट्स अ डिफरेंट फिल्म, इट्स नॉट योर टिपिकल रोम कॉम स्लैपस्टिक कॉमेडी फिल्म, इट हैज़ डिफरेंट एलिमेंट्स टू इट एंड आई थिंक इट अपील विद एवरी वन. एक्शन ऑडियंस भी होगी, रोमांटिक ऑडियंस भी है, कॉमेडी भी है, मस्ती भी है, शादी भी है, तो इट्स गॉट दैट परफेक्ट मसाला पैकेज इन इट. व्हाट आर योर व्यूज ऑन बॉलीवुड फिल्म स्क्रीनिंग इन पाकिस्तान? देखें ये मेरे साथ पहले भी पूछा था क्योंकि जब थोड़ा जी रिलीज हुई थी तो बॉलीवुड फिल्म्स बैन थी एंड इट ह्यूजली अफेक्टेड द रिटर्न्स ऑफ द फिल्म बिकॉज बॉलीवुड फिल्म जो है मेरे ख्याल से यहाँ पे एट द मोमेंट फुटफॉल लाती है हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो हमारे व्यूअर्स देखना चाहते हैं बिकॉज क्योंकि हमारी इंडस्ट्री मैच्योर हो रही है एंड ट्रस्ट स्टैब्लिश हो रहा है हमारे पब्लिक के साथ. सो आई थिंक बॉलीवुड फिल्म्स टू बी स्क्रीन्ड इन पाकिस्तान इज फेवरेबल फॉर द सिनेमा इंडस्ट्री सो दैट हमारी बिजनेस ग्रो हो. जब तक हम इस लेवल पे आ जाएं कि हमारी भी तकरीबन हर वीकेंड पे पाकिस्तानी फिल्म रिलीज हो रही हो उस वक्त आई थिंक वी नीड द सपोर्ट ऑफ दिस बिग फिल्म्स बिकॉज दिस इज अ गुड एंटरटेनमेंट एवेन्यू फॉर आर व्यूअर्स एंड पब्लिक एंड वी नीड दिस फॉर आर कंट्री एज वेल. Pipeline. We know about Yakin. Yes. So, इस वक्त जो है हमारा प्रोजेक्ट शूट हो रहा है बांदी जो हमारा सिग्नेचर प्रोजेक्ट है मूमल एंटरटेनमेंट की तरफ से. उसमें एमन खान है, यासिर हुसैन, नुमान मसूद, मुनीब भट्ट, हिनाद अलपजीर. इट्स रिटन बाय आसमान नबील ऑफ खानी फेम एंड वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन अ वेरी ग्रैंड प्रोडक्शन एंड एन अदर प्रोजेक्ट विच हैज़ बीन द टॉक ऑफ द टाउन फॉर अ वाइल बादशाह बेगम. उसमें से बहुत से आर्टिस्ट जो है एफिलिएट भी हुए हैं. At the moment, I am very much in touch with Iman Ali and we're trying to rope her in for the main protagonist, Bacha Begum ka. It's malaki bada badi zabardast script hai and I hope that we get to shoot it sometime in December. But kyunki main film pe bhi jana chah raha hu apni, to thodi si management ka wo hai ki how to go about it and inshallah ye hamare do teen bade projects hain jo pipeline mein hai. And uske alawa MD ki taraf se main hum TV ki taraf se bataunga ki Aangan aa raha hai, bahut bada project hai. Ahad Razamir, Sajjal Ali Mavra, Ehsan Khan and others characters are in it. That's another project to look forward to. So these are a couple of projects coming from TV size as an independent venture. My film is Yakin and hopefully wo time pe shuru ho jayegi, so that's the best coming from my side. Aapki koi dream cast kisi future project ke liye? Main agar film ki baat karun, I would really want Fawad Khan to become part of it. Actress wise, I'm still discovering it. I'm still trying to figure out who to cast opposite Fawad. So that would be my film cast. And jahan tak drama ki hai, drama mein Badshah Begum mein hamari baat ho rahi hai Gohar Rashid ke saath, we didn't talk with Iman Ali, and these are two. I would love to work with Gohar. Like, you know, I mean, he's a fantastic actor, and I know him in personal capacity, but professionally speaking, karna hai mujhe kaam. और जैसे जैसे मुझे एक्सपीरियंस मिल रहा है ड्रामों के अंदर, एवरीवन आई थिंक हैज प्लेड अ वेरी वाइटल रोल एंड दीज आर फ्यू एक्टर्स आई वुड लाइक टू पर्सनली वर्क विद टू प्रोग्रेस इन द इंडस्ट्री. माय फाइनल क्वेश्चन इज व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम परवाज़? आई थिंक यू आर अबाउट टू एक्सपीरियंस द राइड ऑफ अ लाइफ टाइम. द रशेस, द कॉन्टेंट, द प्रोडक्शन वैल्यू हैज ऑल्सो टेकन मी अवे. लाइक मैंने जब उसका फिल्म का ट्रेलर देखा था, आई वॉज लाइक वाओ, दिस इज एक्सलेंट एंड इट्स content and its cast and its final overall appeal will be good for the youth as well. Aapke youngsters jo maang rahe hain different content, I think it'll do wonders and I hope because wo jawani phir nahi aani 2 aur load wedding ke sath ek hi time pe release ho rahi hai, box office success sab filmon ke liye behtareen ho. Yahi hum chahte hain as a filmmaker ki hamari jo industry hai wo aur bhi grow ho. Thank you so much.